आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी फास्टिंग स्पेशल रेसिपी। हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी टेस्टी साबूदाना वड़ा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं बताने वाली हूँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। तो फिर देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हमें चाहिए एक कटोरी सूप्ड साबूदाना, चार मीडियम साइज्ड पोटैटोज, थोड़ी सी क्रश्ड जिंजर, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर और चिलीज और क्रश्ड पीनट्स। मसालों में हमने सिर्फ सेंधा नमक और क्रश्ड ब्लैक पेपर लिया है। हमने एक बोल ले लिया है, उसमें हम डाल लेते हैं अपने ओवरनाइट सोक्ड साबूदाना को। अब हम बॉइल्ड पोटैटोज को इसमें ग्रेट करके डालेंगे जिससे कि हमारे वड़े और ज्यादा क्रिस्पी बने। पोटैटोज को बॉइल करने के तुरंत बाद आप उनका पानी अलग कर दें और उन्हें थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। ये हमने अपने पीनट्स को क्रश कर लिया है। अब हम इस मिक्सचर में बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं, जो क्रश्ड जिंजर था हमारे पास, जो ग्रीन चिलीज थी और जो फ्रेश कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड थे। अब हम अपने क्रश्ड पीनट्स को भी इसमें मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सेंधा नमक अपने स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पाम्स के बीच में हल्का सा घी लगाते हुए अब हम अपनी टिक्की को गोल गोल शेप दे देते हैं। पोटैटोस को बॉईल करके हमने कहा था पानी से अलग करके फ्रिज में 2 से 3 घंटे रखिए। इस ट्रिक से हमारी टिक्कियां बिल्कुल ही फर्म बनती है और फ्राई करते वक्त टूटती नहीं है। फ्राइंग पैन में हमने बिल्कुल हल्का सा तेल गर्म कर लिया है शैलो फ्राई करने के लिए और उसमें हमने टिक्कियों को एक एक करके डाल दिया है। क्योंकि हम अपने वड़े शैलो फ्राई कर रहे हैं इसीलिए हमें ज्यादा तेल लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत ही कम ऑयल में हम बहुत अच्छे क्रिस्पी साबूदाने के वड़े बनाएंगे। पैन को लिड से कवर कर देंगे हम। वड़े हमारे दोनों तरफ से क्रिस्पी रेड ना हो जाए तब तक हमें इनको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेना है। वड़ों को पलटते वक्त बहुत ही केयरफुल रहना है कि वो टूटे नहीं। तो तैयार है हमारे क्रिस्पी टेस्टी साबूदाना वड़ा। हमने इनको सर्व किया है मिंट चटनी और सॉस के साथ। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दें और अब इस चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, ये रेसिपी शाम को चाय के साथ जरूर ट्राई करना। याद से मिलती हूँ जल्दी ही। अपना ख्याल रखो।